नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल बुलेट ब्लैक में। और आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी बुलेट की पार्किंग लाइट नहीं काम कर रही है तो उसके बाद आपको कौन से फ्यूज एक बार चेक कर लेना है, जिससे कि आपको पता लगे कि हमारा फ्यूज तो नहीं जुड़ा हुआ है। चलो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारी पार्किंग लाइट है और अभी हम ऑन कर देते हैं इसको। ऑन होने के बाद देख सकते हैं आप, मीटर में लाइट आ गई है लेकिन पार्किंग लाइट हमारी कोई सी भी काम नहीं कर रही है। तो उसके लिए कौन सा फ्यूज चेक करना है वो आपको बता देते हैं। चलो दिखाते हैं आपको फ्यूज। यहाँ पे होता है दोस्तों फ्यूज, ये पूरा जो होता है फ्यूज का दो बॉक्स होता है और ये कनेक्टर कनेक्ट मिलेंगे आपको। तो इसको पहले खोलना आपको और उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है इनकी, कौन सा फ्यूज क्या है। लेकिन इसमें आपको नॉर्मली बता देता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्यूज है। दो फ्यूज हमारे स्पेयर में रहते हैं, तो पार्किंग लाइट के लिए हमारा मेनली दूसरा फ्यूज जो है वो यूज में आता है। तो इसको निकाल के देख लेते हैं एक बार, हमारा फ्यूज तो नहीं जला हुआ है। उसके बाद देखते हैं, तो ये देखिए दोस्तों हमारा फ्यूज जो है वो जला हुआ है। शायद यहाँ पे आपको ठीक से नहीं दिखाई देगा, मैं इसका फ़ोटो आपको अपलोड कर दूंगा, कौन सा फ्यूज कैसे जला हुआ होता है, जला हुआ नहीं होता, मैं आपको फ़ोटो में दिखा दूंगा। तो अभी एटो टाइम तो हम कहीं से नहीं लेके आ सकते इसको, लेकिन उसके लिए एक तरीका है कि हम छोटा सा वायर लेंगे। वायर हमने पहले से ही निकाल लिया है और ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का जो वायर होता है वो हम ले लेंगे और इस फ्यूज को बाईपास कर देंगे वायर के हेल्प से। और जब आपका टाइम लगे आप दुकान पे जाके इसको चेंज करवा सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ऐसे हमने लपेट लिया है तार पे और इस तार को ऐसे कैसे इस फ्यूज में लगा देते हैं और इस डब्बी को लगाते ऐसे कैसे, जहाँ से जैसे निकाला था हमने उसको वैसे ही लगा देते हैं। लगाने के बाद ढक्कन बंद कर देते हैं और अभी देखिए हमारी पार्किंग लाइट ओके चल रही है। तो यदि आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो एक बार अपनी बाइक का फ्यूज ज़रूर चेक कर लें। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।